ऐसी लेखिका जिनकी कृतियों का अनुवाद विश्व की 34 भाषाओं में किया गया, साथ ही अनेक भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। हम बात कर रहे हैं भारतीय लेखिका और कवित्री अमृता प्रीतम की। आज ही के दिन यानी 31 अगस्त 1919 को इनका जन्म हुआ था। आइए जानते हैं इनकी कहानी। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरभि वर्मा, तीरंदाज हिस्ट्री में आपका स्वागत है। बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने के चलते अमृता का विश्वास भगवान से उठ गया। उनका पालन पोषण उनकी नानी ने किया। इनकी शुरुआती शिक्षा लाहौर में हुई। उन्होंने किशोरावस्था से ही कविता, कहानी और निबंध लिखने शुरू कर दिए थे। 16 साल की उम्र में इनका पहला संकलन प्रकाशित हुआ। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान उन्होंने विभाजन का दर्द सहा और इसे बहुत करीब से महसूस किया। इस दर्द को उनकी लिखी गई कई कहानियों में महसूस किया जा सकता है। विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली में आकर बस गया। उनकी रचनाओं में उपन्यास, कविता संग्रह तथा निबंध शामिल है। उनकी कई कहानियों पर टीवी धारावाहिक और फिल्मों का निर्माण हुआ है। इनमें पिंजर और डाकू फिल्म तथा कश्मकश जैसे टीवी सीरियल भी शामिल हैं। वह अपनी कविता आज आखा वारिस सहनू के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस कविता में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय पंजाब में हुए भयानक घटनाओं का वर्णन है। इसे भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में सराहा गया। 1957 में साहित्य अकादमिक अवार्ड जीतने वाली वह पहली महिला बनी तथा 1958 में पंजाब सरकार के भाषा विभाग द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया। 1988 में अंतर्राष्ट्रीय बल्गारिया वैरोव पुरस्कार इन्हें मिला। इसके बाद 1982 में भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तीरंदाज इनकी जन्म जयंती पर इन्हें नमन करता है। ऐसे ही आपके काम की, ज्ञान की और रोचक खबरों के लिए तीरंदाज.com से जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल तीरंदाज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज तीरंदाज को फॉलो कीजिए। इन सभी के लिंक्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।